बट अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेस हैं, किन वजहों से गरीबी जो है वो हमारी इकोनॉमी में आई है। तो इन इंडिया पॉवर्टी इज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू टू सेट्स ऑफ कॉजेस, वन रिलेटिंग टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड अदर रिलेटिंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए पॉवर्टी को हम इंडिया में दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका तो है कि हमारी इकोनॉमी क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है इस वजह से गरीबी आती है। डेवलपमेंट होता सभी जगह तो कोई गरीब नहीं रहता, और यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। रीजन वाइज भी आप देखोगे कहीं बहुत ज्यादा अमीर कहीं बहुत ज्यादा गरीब। तो इस अनइक्वलिटी की वजह से, अनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और दूसरा अंडर डेवलपमेंट की वजह से, इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट की वजह से पॉवर्टी होती है। तो हम लोग दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से जो गरीबी है वो आई है। देखिए पहली चीज, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जब हम बात कर रहे हैं अंडर डेवलपमेंट की, क्योंकि हम पूरी तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ का जो नेशनल प्रोडक्ट है जिसे एनएनपीएफसी भी कहते हैं आप, वो बहुत कम है। एनएनपीएफसी तो आपकी नेशनल इनकम हो जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना वो, उसको फैक्टर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाता है नेशनल इनकम। तो लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबली लो कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जब हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्वियस कंसिक्वेंस, क्योंकि जितनी पब्लिक है जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन नहीं है। तो इसी वजह से जो हर पर्सन की इनकम है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम जो है वो भी बहुत कम है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म्स। जो यूएनओ है उनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की है वो पुअरेस्ट कंट्रीज में हम लोग आते हैं, है ना। हमारी जो कंट्री है वो पुअरेस्ट कंट्री में आती है एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम एज पर यूएनओ नॉर्म्स। यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश का बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की कमी की वजह से पॉवर्टी है, पहली चीज। दूसरा है लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत कम है। देखिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज बीन क्वाइट लो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखिए जो 5-5 साल के प्लान्स बनाए थे, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जब इस बुक को स्टार्ट किया था तब हमने देखा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 आया था। उसके बाद हर 5-5 साल में आपके जो है 5 ईयर प्लान आए, बीच में 1-2 साल ब्रेक भी हुए थे ये 5 ईयर प्लान। तो ग्रोथ अगर आप देखो, ग्रोथ रेट देखो हमारी इकोनॉमी की, तो इन 5 ईयर्स प्लान के दौरान ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये बता रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज बीन नियरली 5%। यानी जब प्लानिंग हो रही थी, यानी 5 ईयर्स के प्लान्स बनाए गए, तब से लेके अभी तक जो रेट है, ग्रोथ रेट जो है वो 5% ही रही, ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम ग्रो बाय 3% ओनली। देखिए आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट, इसको समझना, पहले प्रोडक्शन मान लीजिए 100 रुपए का होता था, तो 5 ईयर प्लान्स की वजह से ये प्रोडक्शन 105 हुआ, फिर अगले साल मतलब 105 से बढ़ करके फिर 5% जीडीपी बढ़ा, जीडीपी का प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ी, क्योंकि 2% पॉपुलेशन बढ़ी और टोटल 3% पर पर्सन की इनकम बढ़ी। तो नेट रिजल्ट तो 1% ही है ना, मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ पर कैपिटा इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी। देखिए कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में आएगा तो काम तो करेगा, काम करेगा तो उसकी इनकम होगी, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो इनकम बढ़ रही है उसे थोड़ी काउंट करेंगे हम, तो नेट इनकम काउंट करेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी कितनी पहले के कंपैरिजन में उन लोगों पे जो पहले थे। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह वाली चीज नहीं देखेंगे हम। तो लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम की बताती है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो पुअर्टी है, मतलब बहुत पुअर है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जी पॉपुलेशन का बहुत हैवी प्रेशर रहा, पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ रैपिड पेस, यानी हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिस रिस्क इज मेनली ड्यू टू अ रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। अब वजह क्या है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज डेथ रेट जो है ना वो बहुत कम है हमारे यहाँ की, इसका मतलब हमारे यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है।
ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1% इन 1941 टू 51। 1941 से 51 तक पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट केवल 1% हुआ करती थी, मतलब हर साल 1% ही लोग जो है बढ़ रहे थे, और 2.1% हुई 1991 और 2001 में। जब आप साइज की बात करोगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 84.63 करोड़ थी 1991 में और 121 करोड़ थी 2011 में। नेक्स्ट सेंचुरी 2021 में होना है, आपको पता है ये बात। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग पॉपुलेशन 135, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स, 135 टू 140 करोड़ के आसपास होगा। तो आप देख लो कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारा है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एड्स टू डिपेंडेंसी बर्डन इंप्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ का, हमारे जो लोग हैं एक फैमिली में एक जना कमाने वाला और चार जने उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो इसकी वजह से भी पॉवर्टी आती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जीडीपी की ग्रोथ कम होने की वजह से और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से जो कम डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है। इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई बढ़ती है। इट मींस अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंटिन्यूअसली प्राइसेस बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी, समझ रहा हूँ। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, कोई चीज 100 रुपए की थी, नेक्स्ट ईयर 105 की, उसके नेक्स्ट ईयर 110 की, फिर 120 की, 130 की। लोगों की इनकम इस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। महंगाई दर जो जितनी बढ़ रही है उस प्रपोर्शन में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंसिस्टेंटली प्राइसेस बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी का मतलब है जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी पॉवर्टी बढ़ेगी। इट इरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों के हाथों में जो रियल इनकम बचती थी पैसा खर्च करने के लिए जो हाउसहोल्ड्स के पास बचता है वो कम बचेगा। जहां 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी अब वो 70 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन है ना। मतलब 100 की जहां 100 रुपए का आइटम खरीद सकते थे लास्ट ईयर, आज वो आइटम 130 का मिलेगा, 130 का मिलेगा, ज्यादा अमाउंट का मिलेगा। दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन आर ड्रॉन डाउन टू द पॉवर्टी लाइन। कुछ लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर थे, महंगाई बढ़ने से वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। दोज ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कंपेल्ड टू सफर अ डिप्रिवेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे उनको वो कई अब क्या करेंगे, वो बार बार वंचित रह जाएंगे, ऐसी कई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उन सब चीजों से वंचित रह जाएंगे और पुअर हो जाएंगे। ये बात थी सर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की। अब आता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। टोटल लगभग कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 9-10 पॉइंट्स होने चाहिए, 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत जबरदस्त वाला अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे 10 लोग काम करने चाहिए वहां पे 4 ही लोग काम कर रहे हैं। पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप पॉवर्टी को देखते हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लोगों के पास रोजगार नहीं, कमाई नहीं, इसलिए तो वो पुअर है। तो कहने का मतलब है पॉवर्टी एक रिफ्लेक्शन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। 2011-12 में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन इंडिया में थे वो लगभग 2.45 करोड़ थे और अभी ये 4.35 करोड़ हो गए मार्च 2016 तक। जो लेटेस्ट डेटा अभी इसमें है वो मार्च 2016 का है। इसमें बेरोजगारी देखो आप कितनी बढ़ गई, 2.45 करोड़ से 4.35 करोड़ हो गई और इस बार आई थिंक 10 करोड़ हो जानी चाहिए जिस हिसाब से जो है वो कोरोना का कहर है, है ना, इस टाइम पे। इस वजह से इसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल डेफिशिएंसी, पैसों की कमी। कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू अ राइज इन अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। देखिए कैपिटल यानी पूंजी, पैसा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, ठीक है। अगर आप कैपिटल आपके पास इकट्ठी है तो ठीक है, आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अगर आप एक फर्म हो तो आप ऑलरेडी अपना पहले से प्रोडक्शन कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अगर आपके पास क्या है, काफी सारा पैसा है। तो अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिशिएंट। लेकिन हमारे यहाँ पे दुर्भाग्यवश इंडिया में पैसे की बहुत कमी है, मतलब लोग पैसे से पैसा नहीं बना पाते, इनके पास पैसों की बहुत कमी होती है जो कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी।
कैपिटल की कमी की वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम है. इन टर्न लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. भाई प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इसका मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो उसकी वजह से पॉवर्टी आएगी. आप नीचे वाला एक बार ये जो इन्होंने शॉर्ट में लिखा है उसको समझना. कैपिटल की कमी की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लो रहेगी, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से हमें कम लोग चाहिए काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी लो रहेगा. जब काम करने वाले कम होंगे तो पॉवर्टी का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज कम लोगों को काम हम लोग दे पा रहे हैं. ऐसे तो लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारे इंडिया में एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की कमी है. जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर. जीडीपी की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि स्किल्ड वाले ऐसे एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जो एफिशिएंट हो और स्किल्ड उसमें उनमें बहुत सारी हो. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स. इंडिया में ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की एंटरप्रेन्योर स्किल की कमी है, यानी लोगों में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब कुछ नया लाने के लिए ऐसा दिमाग बहुत कम आता है. अभी तो आपको देखने को मिलता है कि काफी सारी कंपनीज जो है वो लोगों ने बना ली है. कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज फेल्ड टू गैदर मोमेंटम. इसीलिए प्रोडक्शन एक्टिविटी में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, मतलब बहुत सारे लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते. इम्प्लाइंग दैट वी हैव फेल्ड टू टेकल पॉवर्टी, यानी इससे ये साबित होता है कि इंडिया पॉवर्टी को हैंडल करने में क्या है, फेल हो गया है. ठीक है. Outdated social institution, यानी इंडिया में जो social institutions हैं वो outdated है. Social structure of our country is full of outdated traditions and institutions like caste system, joint family system. हमारे इंडिया में आपको पता है कि caste system और joint family system जो है इसने हमारे social social जो role है, जो हम socially स्ट्रक्चर है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसको ये बिल्कुल पुअर बनाता है, आउटडेटेड बनाता है. बिकॉज लोग आज भी कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो हमारे बड़े हैं वो उन चीजों को फॉलो करते हैं. ऐसा सच ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी. और ऐसे ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन जो है इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाने में बाधा डालते हैं. ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड इन पॉवर्टी सिस्टम. और ग्रोथ रेट भी इससे इफेक्ट होती है और पॉवर्टी भी आती है जब outdated social institutions होते हैं हमारी इकोनॉमी में. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे कॉम्पोनेंट है जो कि इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. और इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग सर्विसेज भी इसी में आती है. ये सारे के सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट है. ये वाले जो हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग है, हेल्थ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट होते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, और ये एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं. तो इन सब की कमी है हमारे इंडिया के अंदर. इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ के जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे होने चाहिए, वो डेवलप होने चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन कंटिन्यूस टू बी वीक एंड अनस्टेबल डिस्पाइट मोर देन 68 ईयर्स ऑफ प्लानिंग. 68 साल की प्लानिंग हो गई, उसके बाद भी हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है. स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी आर द ऑब्वियस कंसर्न. और इसी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो कम धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है. ठीक है, ये 9 पॉइंट्स तो होते हैं बेटा. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़े थे? 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको हम लोग, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट एक हम पढ़ते हैं, इसमें आएगा पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताया ना आपको, जहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल तरीके से हो. तो यहाँ लिखे हैं पॉइंट्स. पहले यहाँ तक समझ आ रहा है ना बच्चा? फास्ट लग रहा हो तो बता दो और आराम से चलने, कोई दिक्कत नहीं है. नो सर, सही है ना? हाँ. पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. पॉइंट को काट देना, कोई मतलब नहीं है. Efforts have been made by the government to moderate inequality through a system of progressive taxation and other measures. ये progressive taxation और other measures को underline करना. इंडिया में सरकार ने कुछ ऐसे steps लिए हैं जिनसे कि unequal distribution को कम किया जा सके, मतलब जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स और जो गरीब है उस पर कम टैक्स या ना टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगा है. इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ठीक है, इसके अलावा भी अदर मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए है अनइक्वलिटी को कम करने के लिए.
बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया इज ओनली टेंडेड टू अ कंपाउंड ओवर टाइम. इन सब स्टेप्स के बावजूद भी, इन सब मेजर्स के बावजूद भी हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. कंपाउंडेड मतलब होता है हर बार डबल ट्रिपल चौबल ऐसा होती जा रही है. NCAER की रिपोर्ट कहती है 2009-10 की कि टॉप 20 जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है अप्रोप्रिएट 53.2% हमारे टोटल इनकम का ये लोग लाते हैं. मतलब जितनी भी इनकम है वो टॉप 20 जो है ना, मेन जो 20% पॉपुलेशन है, मतलब टोटल पॉपुलेशन को आप 100% पॉपुलेशन समझो, उसमें से स्टार्टिंग वाली जो 20% है रिच वाली, वो टोटल जो नेशनल इनकम बनती है उसका 53.2% तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. While the bottom 40% population appropriates only 15.3%. आसान भाषा में आप ये समझो, मान लीजिए 100 ही लोग हैं हमारी इकोनॉमी में, 100 में से जो पहले 20 लोग हैं ना, उनकी 100 रुपए में से इनकम है 53.2 रुपीस, वो इतना इनकम कमा के देते हैं सरकार को, और 15.3 रुपीस लास्ट के जो 40% लोग हैं ना, 40 लोग, उनकी इनकम केवल 15.3 है. तो 40 गरीब है, 20 अमीर है, इस तरीके से समझो. और मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के अकॉर्डिंग 1536 कंपनीज जो है वो कंट्री में कंट्रोल करती है 75 फैमिलीज. केवल 75 फैमिली, केवल 75 फैमिलीज ऐसी है जो 1536 बड़ी बड़ी कंपनी को क्या करती है, चलाती है. आसान भाषा में तो सुनो, कितने से कम से लोगों, कितने करोड़ों की पब्लिक है और कितने लोगों के हाथ में वो काम है. Unequal distribution of income not only reflect the size of existing poverty but also points to the possibility of widening gulf between the rich and poor. पर unequal distribution हो रहा है income का, तो इससे ना केवल आपकी poverty का size बढ़ता जाएगा बल्कि जो गरीब और अमीर के बीच का जो gap है ना, ये भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है. Because those with higher income certainly have greater capacity to generate still higher income. जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम है उनकी आज भी कैपेसिटी की वो और उस इनकम से पैसा बना सकते हैं. एंड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे क्योंकि उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा. विद ह्यूज स्टॉक्स ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्चून व्हाइल द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. देखिए, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो तो अच्छे से अपना जो है वो क्या कर लेगा, और प्रोडक्शन करके और पैसा कमा लेगा. जो पुअर है वो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहेगा. ये सारे कॉजेस थे जो हमने दो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे. पहला रेफरेंस पॉइंट क्या था और दूसरा क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और दूसरा था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो बेटा ये वाला हमारा आज का टॉपिक यही फिनिश होता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. सर, हाँ बेटा, सर जो अभी दिल्ली में वो प्रोटेस्ट हो रहा है ना किसानों का, हाँ हाँ सर, उससे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना इकोनॉमी पे. इकोनॉमी पे इफेक्ट डेफिनेटली पड़ना है बेटा उससे. इकोनॉमी पे तो हर एक चीज का इफेक्ट पड़ेगा. प्रोडक्शन कैपेसिटी जहां भी हैम्पर होगी वहां पे इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा. बिकॉज जीडीपी के अकॉर्डिंग ही तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, जीडीपी से. और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिरेगा अगर ऐसे ना बार बार ना इस तरीके से बैठेंगे लेकर के, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना. सर, इससे पॉवर्टी भी तो इंक्रीज होगी ना अगर वो अगर गवर्नमेंट अपने लॉज वापस नहीं लेती. हाँ जी, गवर्नमेंट अपने लॉज वापस नहीं लेती है, उनको इम्प्लीमेंट करना बंद नहीं करती है तो पॉवर्टी भी इंक्रीज. पॉवर्टी तो बेटा बढ़ेगी ना. पॉवर्टी की तो रीजंस कई सारे हैं, उनमें से एक रीजन ये भी है, पॉवर्टी तो बढ़ती जाएगी अगर गवर्नमेंट इस तरीके से. या तो देखो ऐसा हो कि आप अगर अपना प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको सब्सिडीज मिल रही है आपके काम में, तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. लेकिन कहीं पे भी बात आती है सर एक दूसरे के ऑपोजिट होने की, तो बेटा वहां पे आपको समझना है कि इकोनॉमी के ऊपर तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है. ठीक है, ओके सर, थैंक यू.